हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेम्स एकेडमी। दोस्तों आज हम करेंगे डे 16 हमारी वर्ड सीरीज का, जिसमें मैं आपको 2000 वर्ड्स लिखवा रहा हूँ। दोस्तों डे 15 तक मैं अपलोड कर चुका हूँ और आज हम करने वाले हैं डे 16। इसमें भी हर बार की तरह हम 20 वर्ड्स करेंगे जो बहुत ही ज्यादा यूजेबल है और इम्पोर्टेंट है। दोस्तों जब आप ये वर्ड्स याद कर लेंगे तो आप देखिएगा आपका लिखना और बोलना बहुत आसान हो जाएगा और बहुत इफेक्टिव वे में आप स्पीकिंग या राइटिंग कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का पहला वर्ड। दोस्तों पहला वर्ड है पिग हेडेड। पिग हेडेड का मतलब होता है अड़ियल, अपनी बात पर अड़ने वाला या जिद्दी। तो आप कह सकते हैं माय अंकल इज पिग हेडेड। पिग हेडेड मतलब अड़ियल। दोस्तों दूसरा वर्ड है रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का मतलब होता है अनइच्छुक, जो कोई काम करना ना चाहता हो। तो आप कह सकते हैं आई वॉज रिलक्टेंट टू गो टू स्कूल दैट डे। भाई मैं उस दिन स्कूल जाना नहीं चाहता था, मैं अनइच्छुक था। दोस्तों अगला वर्ड है सिबलिंग। सिबलिंग का मतलब होता है सगे भाई बहन। तो आपसे अगर कोई पूछे हाउ मैनी सिबलिंग्स डू यू हैव, और अगर आपके एक भाई है और एक बहन है, तो आप कह सकते हैं आई हैव टू सिबलिंग्स। तो सिबलिंग्स में भाई और बहन दोनों आते हैं। और दोस्तों अगला वर्ड है निगलेक्ट। निगलेक्ट मतलब होता है नजरअंदाज कर देना, इग्नोर कर देना, ध्यान ना देना। तो इनमें से किसी भी तरीके से आप इस मीनिंग को बोल सकते हैं। तो निगलेक्ट मतलब ध्यान ना देना। दोस्तों अगला वर्ड है नेटिव। नेटिव का मतलब होता है मूल निवासी। जैसे हम इंडिया के नेटिव हैं, तो हम कहां से नेटिव हैं? इंडिया से। तो मूल निवासी, नेटिव मतलब मूल निवासी। दोस्तों अगला वर्ड है नेस्टी। नेस्टी का मतलब होता है घटिया, अप्रिय या गंदा। तो उसने मुझे बहुत नेस्टी ट्रीटमेंट दिया, बहुत बुरी तरीके से उसने मुझे ट्रीट किया। तो आप उसमें वहां पर नेस्टी वर्ड का यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगला वर्ड है मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब होता है किसी बुरी चीज के प्रभाव को कम करना। तो आप कह सकते हैं कि ये जो दवाई है वो इस वायरस का इफेक्ट क्या कर देगा? मिटिगेट कर देगा, उसे कम कर देगा। तो मिटिगेट मतलब किसी बुरे प्रभाव को कम करना। मिशनरी का मतलब होता है धर्म प्रचारक, जो धर्म का प्रचार करे, मैसेंजर हो और धर्म का मैसेज हर किसी को कन्वे करे, तो आप उसे बोलेंगे मिशनरी। तो नेक्स्ट वर्ड है नील, और नील का मतलब होता है घुटने पर बैठ जाना। और अगला वर्ड है ग्राइंड। ग्राइंड का मतलब होता है पीसना, मशीन में किसी चीज को पीसना। मिक्सर ग्राइंडर आपके घर में होता है, उसमें आप किसी चीज को पीसते हैं, तो ग्राइंड का मतलब होता है पीसना। और नेक्स्ट वर्ड है एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है खर्चीला, जो बहुत ज्यादा पैसा खर्च करता हो, तो आप कह सकते हैं वो एक्स्ट्रावेगेंट है। जैसे आप कह सकते हैं माई एल्डर ब्रदर इज एक्स्ट्रावेगेंट, वो बहुत ज्यादा खर्चीला है। और अगला वर्ड है एक्सट्रीम। एक्सट्रीम का मतलब होता है अत्यधिक, मतलब कि सीमा को पार कर जाना, किसी चीज की लिमिट को क्रॉस कर जाना, अत्यधिक मात्रा में किसी चीज का होना। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है डिप्राइव। डिप्राइव का मतलब होता है वंचित रखना, किसी को किसी चीज से दूर रखना, कि गरीबों को एजुकेशन से वंचित किया जाता है, डिप्राइव किया जाता है। डिप्राइव मतलब वंचित रखना या होना। डेडिकेट मतलब होता है समर्पित करना, कि उसने अपना पूरा जीवन उस किताब को डेडिकेट कर दिया। तो डेडिकेट मतलब होता है समर्पित करना, किसी खेल के प्रति डेडिकेट कर देना अपने आप को। तो डेडिकेट मतलब समर्पित करना। और अगला वर्ड है डेब्रिस। जैसे कोई बिल्डिंग गिर जाती है, उसका जो मलबा होता है उसे हम बोलते हैं डेब्रिस। तो डेब्रिस मतलब मलबा। और नेक्स्ट वर्ड है क्रेडिबल, मतलब विश्वसनीय है, जिस पर विश्वास किया जा सके। तो ये क्रेडिबल है, इसका अपोजिट हो जाता है इनक्रेडिबल, मतलब अविश्वसनीय है। तो क्रेडिबल मतलब विश्वसनीय, जिस पर विश्वास किया जा सके। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है क्रैम। क्रैम का मतलब होता है ठसा ठस भरा होना। जैसे कोई कमरा है और उसमें बहुत सारे लोग हैं, तो आप कह सकते हैं द रूम इज क्रैम। तो क्रैम मतलब ठसा ठस भरा होना। और कंटेम्पलेट मतलब होता है विचार करना, किसी चीज पर सोच विचार करना। व्हाट आर यू कंटेम्पलेटिंग? तो सोच विचार करना। और नेक्स्ट वर्ड है कॉमन। कॉमन का मतलब होता है सामान्य या आम। जैसे आप कह सकते हैं इट इज अ कॉमन अफेयर या कॉमन पीपल, इस तरीके से कॉमन वर्ड का यूज होता है। और लास्ट वर्ड है कंपेनियन, और कंपेनियन का मतलब होता है साथी, कि ही इज माय कंपेनियन इन दिस ट्रिप। तो इस ट्रिप में ये मेरा कंपेनियन है। तो दोस्तों ये थे आज के 20 वर्ड्स, हर बार की तरह बहुत ही ज्यादा यूजेबल और इंपॉर्टेंट। और मैं उम्मीद करता हूँ ये वर्ड्स आपको अच्छे लगे होंगे और आप इन्हें जल्दी से जल्दी याद कर लेंगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को मत भूलिएगा, और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस मेरी जो भी आएंगी वो आपको सबसे पहले मिले।